सो गाइज फाइनली IAS गर्ल्स के लिए न्यू ट्रेंड लेके आ चुका हूँ। गाइज अगर आप भी इस तरह की AI फोटो जनरेट करना चाहते हो अपने नाम के साथ, वो भी गाइज बिल्कुल फ्री में जस्ट वन क्लिक करके, तो गाइज आप बिल्कुल सही वीडियो देख रहे हो। मैं आपको इस वीडियो में स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा कि कैसे आप इस तरह के AI फोटो जनरेट कर सकते हो, वो भी गाइज अपने मोबाइल फ़ोन से। तो गाइज यहाँ पर आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको सबसे पहले आपको अपना जो गूगल है उसे ओपन कर लेना है। तो गाइज मैं ओपन कर लेता हूँ। ओपन करने के बाद गाइज यहाँ पर आपको सर्च करना है बीइंग AI इमेज क्रिएटर। तो जैसे गाइज आप ये सर्च करोगे कुछ इस तरीके का इंटरफेस आएगा, जो आपकी पहली वेबसाइट आई है बींग वाली, जहाँ लिखा है इमेज क्रिएटर फ्रॉम माइक्रोसॉफ्ट डिज़ाइनर। तो गाइज आपको इस पर क्लिक कर देना है। इस पर जैसे ही गाइज आप क्लिक करोगे कुछ इस तरीके का इंटरफेस खुलकर आपके सामने आ जाएगा। और हाँ गाइज इस साइट पे अगर आप पहली बार आए हो तो यहाँ पर आपसे लॉगिन या साइनअप के लिए बोला जाएगा, तो गाइज आपको कर लेना है। लॉगिन या साइनअप करने के बाद गाइज मैं यहाँ पे एक टेक्स्ट को पेस्ट कर रहा हूँ, ये टेक्स्ट मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहाँ से कॉपी कर लेना गाइज, या फिर डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा, उस लिंक से आप इसे उस लिंक पर क्लिक करके इसको पा जाओगे। तो गाइज अब यहाँ पर जो है मैंने टेक्स्ट को प्रॉपर एडिट कर लिया, यहाँ पे मैंने नाम डाला है IAS उमरा। तो गाइज मैं क्रिएट पे क्लिक करता हूँ। क्रिएट पे क्लिक करने के बाद गाइज हमें एक दो सेकंड वेट करना है। वेट करने के बाद गाइज रिजल्ट हमारे सामने होगा, तो गाइज वेट कर लेते हैं। सो गाइज फाइनली एक दो सेकंड वेट करने के बाद रिजल्ट हमारे सामने आ चुका है। तो गाइज मैं आपको ओपन करके दिखा रहा हूँ। जैसे गाइज आप ये इमेज चेक करें, इसमें लिखा है IAS उमरा और ये टेबल पर बैठे हुए हैं। गाइज ये भी आप चेक करें, ये भी चेक करें। गाइज आपको जो इमेज पसंद हो आप 3 डॉट पे क्लिक करके उसे अपने डिवाइस में डाउनलोड कर सकते हो। गाइज ये इसमें देखें, इसमें भी लिखा हुआ है। और गाइज एक इंपॉर्टेंट बात गाइज, यहाँ पे अगर नेम में कोई मिस्टेक आई या आपको ये इमेज जो है अच्छी नहीं लग रही है, तो गाइज आपको दोबारा क्रिएट पे क्लिक कर देना है। आप जैसे गाइज दोबारा क्रिएट पे क्लिक करोगे एक दो सेकंड की लोडिंग लेगा, उसके बाद रिजल्ट आपको दे देगा। तो गाइज हम दोबारा वेट कर लेते हैं। सो गाइज फाइनली एक दो सेकंड दोबारा वेट करने के बाद रिजल्ट हमारे सामने आ चुका है। तो गाइज मैं आपको इन्हें ओपन करके दिखा रहा हूँ। जैसे गाइज आप ये इमेज चेक करें, इस इमेज को मैंने ओपन किया, देखिए इसमें लिखा IAS उमरा। गाइज ये भी चेक करें, इसमें भी लिखा हुआ, इसमें भी लिखा हुआ, इसमें भी लिखा हुआ, इसमें भी लिखा हुआ। तो गाइज मैं इसे डाउनलोड कर लेता हूँ अपने डिवाइस में। तो गाइज आप इस तरह कर सकते हो। बाकी कोई इशू है तो आप मेरे को कमेंट करो, मैं उसका जवाब जरूर दूंगा। और गाइज मेरे को सपोर्ट करो, आपके सपोर्ट की ज़रूरत है।